सवाल ये भी कि आखिर किम जोंग उन यूक्रेन के साथ जंग में रूस की मदद क्यों कर रहा है, आखिर उसे रूस की मदद कर क्या हासिल होने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किम जोंग को ताकत हासिल करने की सनक है, उसे मिसाइलों से मोहब्बत है, किम की मिसाइल वाली सनक से दुनिया वाकिफ है। वो मिसाइलों की ताकत के जरिए दुनिया पर राज करने के ख्वाब देख रहा है। उसने अपने जखीरे में एक से बढ़कर एक मिसाइलें जमा भी कर रखी हैं। रूस के साथ बढ़ रही है किम की यारी। ये दोस्ती अमेरिका को पड़ सकती है भारी। अपनी मिसाइल वाली ताकत को किम अब और बढ़ाना चाहता है। वो खुद को दुनिया के सुपर पावर मुल्कों की श्रेणी में शामिल कर लेना चाहता है और उसे ये मौका दिख रहा है रूस और यूक्रेन की जंग में। यूक्रेन के साथ जंगी मोर्चे पर उलझे रूस पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। उत्तर कोरिया पर भी अमेरिका ने कई तरह के बैन लागू कर रखे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी कहावत पर अमल करते हुए किम ने रूस से दोस्ती बढ़ानी शुरू की है। रूस के साथ पहले किम ने एक अहम समझौता किया जिसके तहत युद्ध की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे के मददगार बनेंगे। इस समझौते पर अमल की ओर पहला कदम भी किम ने बढ़ाया। किम ने यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की मदद के लिए अपने 10,000 जवान भेजे जो रूस की तरफ से अब जंग लड़ रहे हैं। किम अब 1,00,000 और सैनिक रूस की मदद के लिए भेजने वाला है जो यूक्रेन से कुर्स में लोहा ले सकते हैं। पुतिन और किम की गहरी होती दोस्ती ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि उत्तर कोरिया आखिर रूस की मदद क्यों कर रहा है, रूस की मदद कर किम को रूसी राष्ट्रपति से क्या हासिल होगा और दोनों की दोस्ती यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली होगी। रूस हथियारों के साथ साथ कई मामलों में दुनिया के कई देशों से बहुत आगे है। उसकी गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है, एक ऐसी महाशक्ति जिससे टकराने से सुपर पावर अमेरिका भी कतराता है। उसकी व्यापारिक रणनीतियां अलग हैं और उत्तर कोरिया अब इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। उसने रूस के साथ बेहद अहम समझौता किया है जिसके तहत आपात स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की हर तरह से मदद करेंगे। कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देगा। दोनों देश एक दूसरे को रक्षा क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ऐसी खबर है कि उत्तर कोरिया रूस के साथ न्यूक्लियर पनडुब्बियों की डील कर सकता है। परमाणु एनर्जी, फूड सप्लाई और स्पेस सेक्टर में भी दोनों देश एक दूसरे के मददगार बनेंगे। एक दूसरे की मदद कर एक नया ग्लोबल ऑर्डर डेवलप करना दोनों की दोस्ती का सबसे बड़ा मकसद है। उत्तर कोरिया रूस को लेकर क्या रुख रखता है, पिछले साल ही ये देखने को मिल गया था। साल 2023 में उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों से भरे 14,000 कंटेनर भेजे थे जिसका इस्तेमाल रूस वर्तमान में यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। यूक्रेन में रूस की लड़ाई जिस तरह से लंबी खिंच रही है उसे देखते हुए पुतिन को लग रहा है कि रूस के लिए गोला बारूद की आपूर्ति का प्योंगयांग एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है। यही वजह है कि पुतिन भी किम के साथ गलबहियां कर रहे हैं। पुतिन और किम की दोस्ती यूक्रेन के साथ साथ उन देशों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है जो इस जंग में यूक्रेन के साथ हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।